मैं मृणाल मथुरिया साहब को भी चर्चा में ले लू। मृणाल मथुरिया साहब एक समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है, उसके यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। मृणाल बंबई में रहते हैं। और मृणाल जी आपसे मैं बेसिक बात जो बॉम्बे में ये हुआ, बॉम्बे में जब भी मैं जाता हूँ तो बहुत कॉस्मोपॉलिटन वो रखता हूँ, खास करके बॉलीवुड। बॉलीवुड में पंजाबी एक्टर है, बंगाली वो कोई फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर है, साउथ इंडियन डायरेक्टर है, यूपी के लोग, मतलब ये मिक्स है, पाकिस्तान के लोग तक उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको नहीं लगा कि जो अभी हाल के पिछले 2-4 वर्षों में जिस तरह के अभी जो काम हो रहा है उससे ये जो बेसिक फैब्रिक ऑफ बॉलीवुड था वो कहीं कमजोर हुआ है? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी, जी, फैब्रिक तो डिस्टर्ब काफी हुआ है, लेकिन फैब्रिक की बात करने से पहले हमें देखना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो जब भी आलोक जी ने अभी बच्चों की चिंता वाली कुछ बात कही थी, तो आमिर खान ने 2015 में कहा था कि उन्हें बच्चों की चिंता हो रही है, ये किस इंडिया में मेरे बच्चे बड़े होंगे। तभी से आमिर खान से जो बैकलैश चालू हुआ, उसके बाद सरकार ने लगातार बॉलीवुड पे या फिल्म इंडस्ट्री पे एक के बाद एक अटैक करते गई है। जब पहलाज नलानी भी हमारे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे, तभी भी उन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसे। जैसे अलीगढ़ करके एक फिल्म निकली थी, तो वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर थी, इसके लिए ए सर्टिफिकेट दे दिया। फिर बाद में NH10 को ए सर्टिफिकेट दे दिया। एक बनारस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी अरविंद केजरीवाल और मोदी जी के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट्री को निकलने ही नहीं दिया। तो अटैक तो सरकार ये बनने के बाद तुरंत बॉलीवुड पर चालू हो गया, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या रही है। 2005 में सोनाली बोस ने अमू करके एक फिल्म बनाई थी, जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया उसके बाद जो 6 पर वायलेंस हुआ उसके ऊपर वो फिल्म थी, 2005 में निकली। तब तो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने वो फिल्म को निकलने दिया। लेकिन आज क्या ऐसी फिल्म निकल सकती है? आज तो फिल्म में कुछ एक छोटा सा हम वर्ड भी इस्तेमाल कर ले, जैसे तांडव में कुछ शिव का रेफरेंस था तो उसको काफी बैकलैश मिला। एक जगह एक कोई तो फिल्म में लेस्बियन का रेफरेंस था तो उसको काफी बैकलैश मिला। तो आज सरकार के विरोध बोलने वाली फिल्म ही नहीं, बट सरकार से जो अलग सोचती है उन फिल्म्स को भी दबाया जा रहा है किस तरीके से। और इसमें कई सारे आर्टिस्ट फंस रहे, और ज्यादातर जैसे देखा जा रहा है, सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो उसके ऊपर उनको बैकलैश मिला था। आमिर खान पर बैकलैश हो गया। अब शाहरुख खान का तो अभी अभी नया ही कॉन्ट्रोवर्सी है। तो जो खान इंडस्ट्री को डोमिनेट, एक स्टैचर था, मतलब डोमिनेशन तो मैं नहीं कहूंगा बट एक स्टैचर था उनका इंडस्ट्री में, वो स्टैचर को पूरा खत्म किया जा रहा है। तो बेसिकली सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? मैसेज साफ है कि हम, पहली बात तो हमारा हिंदुत्व एजेंडा है, तो हम किसी भी खान्स को या कोई भी माइनॉरिटीज को हम कोई भी इंडस्ट्री में डोमिनेट नहीं करने देंगे। रहेगा तो हिंदुत्व का एजेंडा बॉलीवुड में भी रहेगा। ये एक सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि तुम हमारी लाइन ऑफ थॉट से भी अगर अलग चल के फिल्म बनाते हो, तो वो फिल्म को भी हम किसी तरह से निकलने नहीं देंगे, उन पर भी बैकलैश दिए जाएंगे। तो डेंजर्स तो इस फिल्म इंडस्ट्री को अभी काफी है इस सरकार के। जैसे कि हम देखते कि सऊदी अरेबिया की कोई फिल्म्स क्रिटिकली एक्लेम फिल्म्स नहीं है, या वर्ल्ड में हम सऊदी अरेबिया के फिल्म्स के बारे में नहीं सुनते, ईरान इराक के फिल्म्स के बारे में इतना नहीं सुना जाता है, लेकिन इंडिया के फिल्म्स का एक रेप्यूटेशन रहा है। और क्या उस फ्रीडम से, उस क्रिएटिव फ्रीडम से, या उस मतलब एक जो सोशल मैसेज इंडिया के फिल्म में रहा है, चाहे वो सलीम जावेद की फिल्म हो, चाहे वो अनुराग कश्यप की फिल्म हो, तो उन सब में जो सोशल मैसेजेस रहे हैं, क्या उन सोशल मैसेजेस आप आने वाली बॉलीवुड फिल्म्स दे पाएगी? तो खतरा तो इस इंडस्ट्री को, इस सरकार से बहुत है। जी, मैं मृणाल जी आपसे एक चीज और जल्दी से पूछ लूं। जो जो खुराना साहब कह रहे थे कि फिल्म के कुछ वो लोग शूटिंग के लिए बाहर जाने लगे हैं, एक जगह जो आउटडोर लोकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर थी वो थी कश्मीर। मतलब हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो शायद 10 में से अगर आउटडोर हो रही है तो उसमें से 5 पिक्चरें शायद कश्मीर में शूट होती थी। अब कश्मीर किन्हीं भी कारणों से बहुत ज्यादा शूट नहीं हो रहा है, वो आप भी जानते हैं। अब फॉरेन लोकेशंस में लोग ज्यादा जा रहे हैं। मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है, शूटिंग तो हो गई लेकिन सारा प्रोडक्शन का काम मेरे
अनुसार आज भी ज्यादा मुंबई में हो रहा है, जिसकी वजह से बॉलीवुड कहते हैं। मुझे जो मैं जिस खतरे की बात शुरू में इस टॉपिक में किया था कि अगर आपने ज्यादा डराया तो पूरी चीजें शिफ्ट ना हो, क्योंकि जैसे शाहरुख खान हुए, जैसे संजय लीला भंसाली हुए, जैसे करण जौहर हुए, ये लोग पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब ये पूरी पिक्चर का पैकेज बनाते हैं, मतलब राइट फ्रॉम एक्टिंग टू पोस्ट प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मुझे खतरा है कि कहीं ये तो बाहर नहीं चले जाएंगे। अनम्यूट सॉरी, कुछ समय पहले मैंने श्याम बेनेगल जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि एक समय था मुंबई में जब सारे प्रोडक्शन हाउसेस की ऑफिस चर्नी रोड, चर्चगेट, टाउन साइड, फोर्थ साइड हुआ करती थी, लेकिन मुंबई में अभी रियल एस्टेट इतना महंगा हो गया कि प्रोडक्शन हाउसेस अभी फोर्थ साइड ऑफिसेस अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो तो अंधेरी तक आ गए हैं, लेकिन जो छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेज है वो वसई विरार पालघर तक भी चले गए। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये चीजें को शूट होने के पहले। और जैसे कि किरीट जी ने कहा कि मुंबई एक सिटी जो है वो एक्सप्लोर हो चुकी है पूरी तरह से, इसीलिए टीयर टू सिटीज पर ज्यादा फोकस जा रहा है। जैसे हम बरेली की बर्फी फिल्म पकड़ ले या अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 भी पकड़ ले, आजकल फिल्म यूपी पर बेस्ड है या टीयर टू सिटीज इंडिया इन जनरल या गाँव के सेटिंग पर बेस्ड है। तो उसके पीछे का एक कारण इकोनॉमिक्स भी है और एक मेट्रो सिटीज सारी तरीके से एक्सप्लोर हो चुकी है वो भी है। और हाँ, आप सही कह रहे थे कि सारा काफी कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में हो रहा है, इनफैक्ट फॉरेन फिल्म्स का भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुंबई में चीजों को सस्टेन करने के लिए। तो एक ये खतरा, और इकोनॉमिक्स ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर रहे, बट इस तरह से जब तुम आइडियोलॉजिकल खतरा भी थोपते हो, इस तरह से जब तुम जो फिल्म इंडस्ट्री का सेक्युलरिज्म वाला एक एस्पेक्ट भी रहा है वो भी एक खतरा एक और महसूस होता है, तो एक बड़ा इंसेंटिव हो जाता है कि चीजों को मुंबई से बाहर शिफ्ट करें। तो और आज जैसे कि आलोक जी ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम कहीं पर बैठकर भी कहीं पर बिजनेस कर सकते हैं, जैसे जोमैटो का मेन ऑफिस कहीं भी हो, बिजनेस भले ही इंडिया में कर रहा है। तो उस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद भी प्रोडक्शन हाउसेस अगर मुंबई में इसके इंडिया के बाहर भी चले जाए, दुबई चले जाए या लंदन चले जाए, वो फिल्में तो तब भी बनाएंगे, लेकिन रेवेन्यू वहां जनरेट होगा और सारी चीजें जिस फिल्म इंडस्ट्री का इंडिया के इकोनॉमिक्स को इतना फायदा हो रहा है, इंडिया के लेबर को इतना फायदा हो रहा है, वो चीजें हम इंडिया नहीं उठा पाएगी, वो चीजें बाहर चली जाएगी, तो बाहर वाले कंट्रीज को फायदा होगा उससे। तो इसके और सेक्युलरिज्म की भी बात हो रही थी, तो एक जरा मैं सेक्युलरिज्म की भी बात कर दूं कि मुंबई में आज जो सेक्युलरिज्म का माहौल है, तो जैसे कि आपने गणेश चतुर्थी के बारे में काफी बताया कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का स्टेट फेस्टिवल है, लेकिन हम उस दौर में बड़े हुए कि जब हम कॉलेज बंक मारा करते थे तो सिद्धिविनायक भी जाते थे और हाजी अली दरगाह भी जाते थे। और ये बात, ये खूबसूरती देखो कि हाजी अली दरगाह अगर तुम ट्रेन से जाते हो तो तुम्हें महालक्ष्मी स्टेशन पर उतरना पड़ता है, और गणेश चतुर्थी के दिन भी जिस तरह का माहौल पूरे मुंबई में होता है, रमजान की इफ्तारी की रातों पर भी मोहम्मद अली रोड पे उसी तरह का माहौल मुंबई में होता है। तो ये इसमें बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रोल है, बॉलीवुड ने जिस तरह से हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन दिखाया, और आज अगर हम उसी को हम चोट पहुंचाएंगे, उसी पर एक कुलाड़ी मारेंगे, तो ये चीजें बाहर जाएगी और इसका बहुत दुष्परिणाम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी, आप माफी चाहता हूँ, मेरा समय आई ओवररन, मैं नेक्स्ट सेशन में जा रहा हूँ, स्पीकर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए।